वेलकम फ्रेंड्स, आप पहुंच चुके हो मेरे यूट्यूब चैनल पर रिलायंस क्लासेस एंड मासिक की जगह। यहां मैं आपको अलग अलग ट्रिक्स देते आया हूं। आज भी एक मैं नई ट्रिक लेकर आया हूं। नई ट्रिक वो है आपको मल्टीप्लिकेशन और बेस रिलेटेड मल्टीप्लिकेशन के बारे में। अब तक जो मैंने जो मल्टीप्लिकेशन किया वो रैंडम नहीं किया, तो बेस रिलेटेड जैसा 2 डिजिट नंबर होते हैं, 3 डिजिट नंबर होते हैं, 4 डिजिट नंबर होते हैं, 5 डिजिट नंबर होते हैं। चलो हम लेते हैं एक नंबर 1025 1000 13 into 1012 और इनका दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दीजिएगा। 13 into 12 क्या होता है दोस्तों? नहीं आ रहा। 13 10 का 130 13 2 का 26 1 30 plus 2 26 156। दोस्तों ध्यान रखिए, हमने देख लिया था 1000 पे कितने जीरोज है, 30। यहाँ हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में कितने नंबर आ रहे हैं, कितने डिजिट आ रहे हैं, 3 डिजिट। तो कोई टेंशन नहीं, अगर डिजिट कम ज्यादा होते हैं तो हम देखेंगे आगे क्या करना है। डिजिट अगर कम ज्यादा होते हैं लेकिन डिजिट 0 के बराबर है तो कोई टेंशन नहीं, आपका आंसर रेडी हो चुका है। 1025156 मल्टीप्लिकेशन ऑफ 1013 into 1012 है ना दोस्तों, ठीक है सर। चलो और देखते हैं 3 डिजिट 2 डिजिट 96 into 93। दोस्तों देखिए बेस क्या होना चाहिए हमारा, नियर बाय नंबर कौन सा है, 100। तो यहाँ 00 000 4 0 10 की बात करते हैं, अलग अलग बेस होते हैं। अब सिर्फ हम जीरो वाले ले रहे हैं, वो भी 00 80 60 70 नहीं, 100 00। अगर सिंगल जीरो की बात आती है तो 10 होता है, 80 50 नहीं। 80 50 के लिए अलग रूल होगा, वो देखिएगा बाद में देखिए। अब लेते हैं हमको, हमने क्या बोला था, बेस जो भी ले रहे हैं हम उसको उसमें माइनस करना है, किसमें से सबट्रैक्ट करना है, गिवन नंबर में से सबट्रैक्ट करना है। 96 माइनस 100, ध्यान रखिए दोस्तों 100 माइनस 96 नहीं, 96 माइनस 100। 96 माइनस 100 होता है -4, 93 माइनस 100 होता है -7, -7 -4। अब इसका क्रॉस एडिशन कर दीजिएगा, किसी भी में इसमें कर दीजिए या इसमें कर दीजिए, 96 माइनस 7। देखिए एडिशन कर रहा है लेकिन ये नेगेटिव है पॉजिटिव है, तो हम क्या करेंगे 89 सब्ट्रैक्शन करेंगे और इनका दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। 4 7 28, माइनस माइनस नेगेटिव नेगेटिव प्लस होता है। बेस में कितने जीरो थे दोस्तों, 2 जीरो। मल्टीप्लिकेशन कितना आ रहा है हमारे पास, 28, मतलब 2 जीरो इक्वल्स टू डिजिट नंबर सेम है, हमको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, हमारा आंसर रेडी हो चुका है 8928 है दोस्तों। आसान फिर से ले, अगर हमारे पास डिजिट ज्यादा हो जाए तो जीरो डिजिट की इंबैलेंस होने को क्या करना चाहिए। चलो 112 109, देखिए मैंने बोला था बेस सब्ट्रैक्ट करना। बहुत से बच्चे हमारे, मुझे याद है, मुझे पता है, मैं देख के आ रहा हूं, बेस की जगह नंबर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। हमको बेस सब्ट्रैक्ट करना है, 112 माइनस बेस, बेस क्या था हमारा 100, माइनस कर दिया क्या बच गया 12, माइनस कर दिया क्या बच गया 9। चलो क्रॉस एडिशन 109 कितना होता है, 109 and 12 एडिशन कर दीजिए या 112 and 9 121। एक साइड हो गया, दूसरा साइड 12 9 का 108। देखो दोस्तों गड़बड़ हो गई ना, यहां क्या हो रहा है, जीरो दो है और नंबर 3 है, हम क्या करेंगे नीचे जब आंसर लिखेंगे 08, हमको 2 डिजिट तो ले ही लेना है,
इसका वन का क्या करें, वन इसको ऐड कर दीजिएगा इसमें, 121 प्लस 1 122, दिस इज आंसर 112 into 109 122 08, मतलब 12208 इज योर आंसर। और देखते हैं दूसरा नंबर, अगर हमारे पास डिजिट कम आ जाते हैं तो क्या करें, डिजिट अगर हमारे पास कम आ जाते हैं लेंगे हम 1016 into 1002 बेस क्या आएगा 1 2 3 3 0, मतलब 1000 बेस 1000 ले लिया, 116 में से हमने 1000 माइनस कर दिया बच गया 16, या 1002 में से हमने 1000 माइनस कर दिया बच गया 2। फिर क्रॉस एडिशन 1018 16 to 32, दोस्तों देखिए जीरोस है 3 नंबर्स है 2 डिजिट्स, हमको क्या करना चाहिए, हमको चाहिए 3 डिजिट, तो क्या यहां से उठा के आ लेंगे, नहीं दोस्तों इसी को एक जीरो ऐड कर दीजिएगा, 32 का वैल्यू भी चेंज नहीं होगा और डिजिट हो गया 3, तो हमारा आंसर आ गया 1018032 1,80,000 आसान तरीका है दोस्तों। तो दोस्तों अगर आप पहली बार आए हो तो फिर से मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर ट्रिक्स अच्छी लगे तो आप इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। अगर दोस्तों हमारा टीचिंग पसंद आ रहा है तो आप आइए हमारे साथ जुड़िए साल भर के लिए, हम ऑल सब्जेक्ट की ट्यूशन लेते हैं 8 से लेकर 10 तक, हमारी 3 जगह बैचेज चल रही है, हेराबाड़ी अशोक स्तंभ के पास में होता है मराठा स्कूल के सामने, और गंगापुर रोड पे, और एक नया लोकेशन है जहाँ सर यहाँ 3 जगह हम ऑल मीडियम्स मराठी इंग्लिश और सेमी इंग्लिश की क्लासेस ले रहे हैं। दोस्तों अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप हमसे मिलिए, मैंने ऊपर मेरे कॉन्टैक्ट नंबर दिए है, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो और आगे की डिटेल्स के बारे में आप मुझसे जान सकते हो। थैंक यू दोस्तों।